तो दादी को लग रहा था कि इसको कष्ट हो रहा होगा, इसको अंदर धकेल रहा है और परेशान दादी का प्रेशर लो हो गया, इतनी ज्यादा परेशान दादी। फाइनली जी जिस चीज की घर में जरूरत थी, स्पेशली जब से बाबू आया है तब से तो बहुत ही ज्यादा जरूरत थी इस चीज की, और आप इसे बहुत लोग के कमेंट भी लगातार आए जा रहे थे कि जल्दी से आप वहाँ लगवा लीजिए क्योंकि बाबू को दिक्कत आएगी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने नए ब्लॉग में। अभी अभी एक ब्लॉग को जो है हमने डाल दिया है, 9 बजे पब्लिश हो जाएगा। ये जो है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन यहाँ जो है हम खाएंगे नहीं, यहाँ खाने वाली है जिया। तो देख सकते हैं जिया बनाए हुए अपने लिए सूजी का हलवा, कुछ ड्राई फ्रूट भी डाल लेते हैं। नहीं डालेंगे, ऐसे खाएंगे, भूख बहुत तेज लग गया था, सोचे कुछ बना लेते हैं। बढ़िया है, खा लो। हम अभी आ गए हैं जी बाहर, बाबू जो है अंदर फीड कर रहा है, और बाबू जो आज रोया है पूछिए मत, कितना ज्यादा रोया है, और उसकी दादी जो है इतनी परेशान। मम्मी को कह रहे हैं कि इसको जो हमको लग रहा है गैस बन रहा है, क्योंकि आज तक हम देखे हैं जी बच्चों में जितना भी प्रॉब्लम रहता है 90% प्रॉब्लम जो है वह गैस का ही रहता है जब वह रो रहा होता है। और क्योंकि उसने जो है पॉटी किया नहीं था 24 घंटे से, तो मुझे लग गया था कि वह इसी वजह से रो रहा है। तो हम जो है क्या कर रहे थे, एक आता है तो पॉटी करवाने वाला का जो रास्ता होता है पॉटी का, वहाँ पर एक डाला जाता है, एक मोम जैसा आता है, मेडिकल स्टोर में मिलता है वह। तो हम जो वह डाल रहे थे तो दादी को लग रहा था कि इसको कष्ट हो रहा होगा, इसको अंदर धकेल रहा है और परेशान दादी का प्रेशर लो हो गया, इतनी ज्यादा परेशान दादी। तब क्या हुआ, हम समझ गए कि मम्मी सामने जो है यह पॉसिबल नहीं है कि यह जो है पोटी कर पाएगा। तब हम इसको जो है लेकर के आ गए ऊपर, और ऊपर में हम और जिया मिलकर के पोटी करवाए, और तब चल करके जो है थोड़ा सा शांत हुआ हुआ, और फिर दादी को राहत मिला। दादी जो है पूरा प्रणाम कर रही है भगवान को, क्या हो गया क्या हो गया, मतलब जितना परेशान बाबू नहीं होता होगा, जितना परेशान हम लोग नहीं होते होंगे, हम लोग से 4 गुना इसकी दादी परेशान हो जाती है। तो हम जो है मम्मी को कह भी रहे थे कि उतना परेशान मत हो, हम जान रहे इसको पोटी नहीं, इसी वजह से यह इस तरह परेशान हो रहा है। तो दादी जो है कहने लगी नहीं, हम इसको जो है 24 घंटे घुमा लेंगे छत पर, लेकिन हम जो इसको कष्ट में नहीं होने देंगे। हम कहे कि ठीक है मम्मी रहने दो, अभी अभी जो है किसी तरह से यह शांत हो जाएगा, उसके बाद जो करना होगा तुम करना। तो वह जो है किसी तरह से अब शांत हो चुका है और माँ का फीड कर रहा है दूध, और जैसे ही उसका फीडिंग हो जाएगा के बाद जैसे ही सो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग भी अपना सोएंगे। अभी बज रहे हैं जी रात के 11, और 11 बजे मम्मी का कॉल आया है पूछने के लिए पोते का हाल, कि वह भी रो तो नहीं रहा है ना। हम कहे नहीं तुम आराम से सो जाओ, नहीं रो रहा है। तो दादी की कुछ ऐसी चिंता है। अभी अभी बाबू जो है फीड करके सो रहा है, ज्यादा तेज नहीं बोलेंगे वरना यह जग जाएगा, अच्छे लग रहे जगह ही हुआ है ये। देख रहे बार बार हम पापा पापा बोल रहे हैं, गेट उधर देख रहा है कि पापा आ जाए जल्दी से, है ना बेटा पापा, देख सकते हैं कहाँ देख रहे हैं। तो जी अभी अभी कुछ देर पहले ही सो करके उठे हैं बाबू जो है, 6 बजे आराम से उठ करके मालिश सब करवा के चला गया अपनी दादी के पास। फिर दादी के पास गया, कुछ देर वहाँ पर रहा और वहाँ पर सोया भी, एक डेढ़ घंटे के करीब सोया होगा। तो उस बीच में हम लोग भी अपना थोड़ा नींद पूरा कर लिए। फिर दादी लेकर के आई ऊपर, तो देखिए इसके रोने का आवाज आ रहा है। तब हम गए बाहर, तब हम इसको लेकर के आ गए अपने दादी के पास। सुन रहे हैं आप, और दादी के पास से जब से आया है तब से हमारे साथ खेल रहा है देर से, सब शिकायत कर रहे हैं आप, सब सुन रहे सब समझ बोल दो। तो बाबू को यहाँ पर लेटाए हुए हैं, और यहाँ पर अपना हमारा काम भी चल रहा है साथ साथ, और कुछ देर में इसका जो है फिर से एक बार मालिश होगा। आप में से बहुत लोग कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि इसका कितने बार मालिश करते हैं, तो कम से कम हम लोग 5 बार जरूर मालिश करते हैं, उसे 6 बार करते हैं, लेकिन मिनिमम 5 बार तो जरूर करते हैं। कल एक बार मालिश इसका टूट गया था, पूरा ये रो परेशान था एकदम, तब इसका मालिश किए फटाफट, इसके बाबा बोले इसको मालिश करो ये रोना बंद करेगा, मालिश किए फिर रोना बंद कर दिया। आप ऐसे बहुत लोग कह रहे थे कि इसके गर्दन पर आप ध्यान रखिए, तो बिल्कुल जी हम लोग ध्यान रखते हैं। जब यह सो रहा होता है नींद में तो क्या करते हैं हम लोग, इसका गर्दन एकदम सीधा कर देते हैं, सरसों के तकिया पर रख देते हैं और सीधा सोता है ये। अभी यह शैतानी के मूड में है तो इसलिए इसका गर्दन जो है सीधा नहीं रहेगा, पापा को देख रहा है आगे, कभी पीछे पीछे घूम घूम के देख रहा है। बिल्कुल जी, तो ऐसा कुछ हालत है अभी। ये हमारा ब्रश तो हो गया, अब लग गई है भूख, तो कुछ नाश्ते का इंतजाम किया जाए। बाकी मम्मी यहाँ पर खाना बना रही है, आज खाने में लग रहा है दाल है, भिंडी का भुजिया है, और भी कुछ है, चना दाल देते हैं, का सब्जी बनाया जाए। वैसे अभी तो हम तो कुछ खा नहीं सकते, दाल और भात, दाल चावल आलू का चौक बिना तेल का, बस उसमें मिर्ची तक नहीं दिया जाता सब्जी। तो मेरा कुछ ऐसा ही चल रहा है सादा खाना। तो मम्मी बता रही है कि अभी लगभग जो 1 महीना हमको इसी तरह से सादा खाना मिलेगा, उबाला हुआ खाना, उसमें बस खाली नमक डल जाता है और थोड़ा सा मिर्ची जो है वो डल जाता है, और कुछ नहीं डलता है मेरे खाना में। तो लग रहा है कैसे खाएंगे इस तरह से 1 महीना तक, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ है टेस्ट में हमको, यह सब जो भी चीज खा रहे हैं इसका भी टेस्ट हमको अच्छा ही लग रहा है। हमने सोचा था कि हम जो है नाश्ता करने जाएंगे, अपना नाश्ता करेंगे, ये जो है तब तक आराम से सो जाएगा कुछ देर, लेकिन यह बदमाश जो है सोया नहीं है, उठ गया है, देख रहे हैं आराम से खेल रहा है, देख रहे हैं।
ओ भाई साहब, कोई बात नहीं, हम भी आ गए, इंतजार कर रहे हैं कभी सोएगा, तब तक किसके साथ खेल रहे हैं, खाना का देखेंगे फिर अपना। और उधर अपनी मम्मी को भी फ्री नहीं कर रहा था, जिया को भेज दिया है, तो जिया अपना जा करके दूध पी रही है, नाश्ता कर रही है, के लिए जरूरी है, हम कह के तुम जाओ, हम देख लेते हैं बदमाश को। अच्छा अब यहाँ भी देख रहे हैं, कैमरा में देख रहा है, एकदम मजे में देख रहा है। ओ भाई साहब, ब्लॉगर बनेगा क्या तू भी, है ब्लॉगर बनना है। अभी बाबू को जो है हमने डायपर नहीं पहनाया है, सुबह सुबह ऐसे ही रखते हैं इसको खाली, और बाबू ने जो है बेड का एक भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर सुसु नहीं किया हुआ है। तो अब इस चादर को जो है चेंज करेंगे कुछ देर में, अभी हम लोग जहाँ पर सो रहे हैं बस वही एक जगह बचा हुआ है बेड का जहाँ पर सुसु नहीं है, सूखा है। अब जो है जिया और दादी बाबू को मिलकर के संभाल रही है और हम चलते हैं नहाने, अब थोड़ा फ्री हो गया, नहा करके लगते हैं अपने काम पर। हो गया जी हमारा नहाना, फिर हमें ध्यान आया कि अब तो हमें डॉक्टर के पास भी जाना है। 10 दिन बाद डॉक्टर ने बुलाया था और कहा था कि एक बार आकर के आप दिखवा लीजिएगा, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत हद तक रिकवर कर चुका हूँ, बस अंदर में थोड़ा सा वीकनेस रह गया है। पहले जैसे फीवर चढ़ जाता था, ठंड लगने लगता था, वह सब तो सब कुछ बंद हो चुका है, टाइफाइड और जॉन्डिस दोनों एक साथ ही पकड़ लिया था। चलते हैं डॉक्टर के पास, अब चल रहे जी सीधा डॉक्टर के पास। उससे पहले जाना होगा ATM, तो कैश भी निकालना था, 2-3 काम भी निपटाना था। जो बर्थ सर्टिफिकेट हमने दिया हुआ था एप्लीकेशन, तो उन्होंने कहा था कि 4 दिन बाद आकर के आप जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं, तो क्रियांश का बर्थ सर्टिफिकेट उठाएंगे। 2 हफ्ते से गए भी नहीं उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए, क्योंकि बीच में हो गई थी तबीयत खराब। साथ में आज जो है एक इन्वर्टर भी ऑर्डर करना है, तो इन्वर्टर फाइनली आज घर में लगवा ही लेंगे, क्योंकि पावर कट कुछ ज्यादा लग रहा है हमारे शहर में। भगवान का शुक्र है जी जो उतना धूप नहीं है, और ना धूप से मुझे इतना ज्यादा डर लगने लगा है। पिछले बार मैं बीमार पड़ा था धूप में चलते वक्त, लास्ट टाइम फल खरीदने गया धूप में, पड़ गया पेट पर लगभग 2 हफ्ते के लिए। पैसे तो निकाल दिए, अब सीधा चलते हैं डॉक्टर के पास। 3 minutes later तो फाइनली जी डॉक्टर से तो दिखवा लिया, उन्होंने कहा कि आप कोई भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कुछ कुछ दवा है जिसको उन्होंने कहा कंटिन्यू रखने के लिए, कुछ कुछ डाइट उन्होंने सजेस्ट किया है। डॉक्टर साहब से बात करते करते पता चला कि वो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें किसी ने लिंक भेजा था कि आपको हम देखें किसी वीडियो में, तो फोन भी आया उनको, तो लिंक भेजा वो देखे, अच्छा है यहाँ तो हम यहाँ नजर आ रहे हैं, अच्छा लगा थी जान करके। क्रियांश रॉय करके होगा, क्रियांश शाश्वत। डॉक्टर से तो दिखा लिया, दवा भी ले लिया, अब सीधा चलते हैं इन्वर्टर की दुकान, वहाँ पर जा करके लेंगे, हमारे साली साहब भी वहाँ आए हुए हैं, उनके जान पहचान का है तो कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा, चलते हैं। आगे की दुकान अंदर है, गोलू और मोलू वो दोनों मिलकर के जो है अपना देख रहे हैं कौन सा बैटरी सही है। मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, इन सबको नॉलेज है थोड़ा, इसीलिए लोग आ गए हैं। हमने बैटरी का एक तो ले लिया है जी, इन्वर्टर ले रहे हैं हम। फाइनली जी पहुंचे हैं घर, इन्वर्टर सब तो रख दिया है बगल में, और बुला रहे हैं मिस्त्री जी को, मिस्त्री जी कह रहे हैं शाम तक आएंगे, और अगर शाम तक नहीं आएंगे तो सुबह तक आएंगे, वह ऐसा कहा है उन्होंने, कहा कि दुख नहीं मानने के लिए। तो बात क्या है जी, हमें से किसी को भी पता है नहीं कि इन्वर्टर का पॉइंट है किधर, उन्हीं को मालूम है क्योंकि उन्होंने ही वायरिंग किया था, तो इसीलिए किसी और मिस्त्री को नहीं बुला रहे हैं, उनको ही बुलाना है, इंतजार करेंगे उनका। फाइनली जी जिस चीज की घर में जरूरत थी, स्पेशली जब से बाबू आया है तब से तो बहुत ही ज्यादा जरूरत थी इस चीज की, और आप से बहुत लोग के कमेंट भी लगातार आए जा रहे थे कि जल्दी से आप वहाँ लगवा लीजिए क्योंकि बाबू को दिक्कत आएगी। हमारे शहर में जो है पावर कट भी लगातार लगते जा रहा है, इतना ज्यादा नहीं होता था, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल जी, तो इधर से जो पावर कट जो है लगना अच्छा खासा स्टार्ट हो गया, तो सभी को काफी प्रॉब्लम आ रही थी, और नीचे में तो इन्वर्टर का कनेक्शन लगा हुआ था, एक इन्वर्टर का जो है तार खींच करके हम लोग लेते आए थे, तो बस एक पंखा चल रहा था, एक लाइट भी जलता था, बस एक पंखा एक लाइट इस तरह से जल रहा था, लेकिन ऊपर का जो पूरा फ्लोर है
वहाँ पर दिक्कत आ रही थी, स्पेशली जब हम काम करने जाते थे, हमारा जो एक वर्किंग एरिया है, दिक्कत आ जाती थी। बेडरूम में तो लग गया था, लेकिन अब जो है एक पूरे फ्लोर में लगवाने का इंतजाम कर दिया है। शाम तक जो है मिस्त्री भी आ जाएंगे और वहाँ लग जाएगा। तो आप में से भी बहुत लोग का देख रहे थे, कमेंट भी लगातार आते जा रहा था, प्लीज बाबू के लिए लगा लीजिए, बहुत पावर कट लग रहा है, जो भी लगातार व्लॉग देख रहे थे। तो चलिए जी, आप लोग के भी बात को मान लिए और हम लोग भी अपना लगवा लिए है ना। तो अब इस वीडियो के यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले। हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, आपकी एक शेयर से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।